दिल्ली में पिछले दिनों बजरंग दल के कार्यकर्ता रिंकू शर्मा की हत्या के विरोध में आरएसएस और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने बड़ा मलहरा में महामहिम राष्ट्रपति के नाम एसडीएम एनआर गौड़ को उनके आवास पर ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के जरिए मांग की गई कि रिंकू शर्मा, जो कि बजरंग दल का कार्यकर्ता था और राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के लिए निधि संग्रह कार्य कर रहा था, उसकी चाकू मारकर हथियारों ने हत्या कर दी। रिंकू शर्मा के परिजनों को 1 करोड़ रुपए की सहायता राशि और परिवार में एक व्यक्ति को शासकीय नौकरी की मांग की गई है और कहा गया है कि रिंकू शर्मा की हत्या का केस फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाए और हत्यारों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। हमारे देश की राजधानी दिल्ली में सामने आई है यह घटना, बहुत ही हृदय विदारक है, जिसमें हमारे राम भक्त रिंकू शर्मा जी की मुस्लिम जिहादियों के द्वारा निर्मम हत्या कर दी गई और इस तरीके से उन पर बार बार प्रहार किए गए ताकि वो जीवित ना रह सकें। हमारे राम भक्त रिंकू शर्मा को न्याय मिले, उनके परिवार में एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी दी जाए और 1 करोड़ रुपए की सहायता राशि प्रदान की जाए और ये जो वामपंथी हैं, जो देश विरोधी षड्यंत्रों की योजना बना रहे हैं और ये जो जिहादी हैं, धर्मांतरण का प्रयास कर रहे हैं, इन पर महामहिम राष्ट्रपति जी के द्वारा लगाम लगाई जाए।